आज का दिन सेंट पैट्रिक चर्च के लिए काफी खास रहा। आज चर्च के सहायक पल्ले प्रोय फादर साजुन का विदाई समारोह मनाया गया। समारोह में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पल्ले के बच्चों एवं युवाओं ने कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के पश्चात भोजन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से फादर ग्रोरी, फादर सजुन, फादर भास्कर, फादर कुलकान, फिलिप जैकब लाल, लॉरेंस मसी, रोहित मेसी, मोनिका लाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जॉन नडार एवं ट्रीसा लिंच ने किया। आगरा से हमारे सहयोगी अजीत कुमार की खास रिपोर्ट। मेरा नाम लॉरेंस मसी है और मैं हमारा सेंट पैट्रिक्स चर्च पल्ली की जो पैरिश काउंसिल है उसका सचिव हूँ और साथ ही साथ इस चर्च का सदस्य भी हूँ। आज के प्रोग्राम किस सिलसिले में प्रोग्राम हो रहा है? आज का जो प्रोग्राम है ये विदाई समारोह है हमारे चंद्र पारे से जो पहले यहाँ के सहायक पल्ली पुरोहित थे अब वो यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं और ट्रांसफर होकर सेंट पीटर्स स्कूल में सहायक प्रिंसिपल के पद पर जा रहे हैं। और आज का जो पूरा कार्यक्रम है हमारी पल्ली ने मिलकर किया है और जिससे फादर को एक भाव भी और भावपूर्ण विदाई दे सके। फादर सजुन का कार्यकाल कितना समय रहा है? फादर सजुन का कार्यकाल 2.5 से 3 वर्ष का रहा और ये इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कार्यों को संभाला, पूरी पल्ली को जोड़े रखा और मुख्यतः जो यहाँ के युवाजन हैं युवाओं को जोड़कर बना के रखना ये उनका मुख्य रूप से काम रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजुन। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहते हो? आज हम बताना चाहेंगे हम सेंट पैट्रिक्स पल्ली के सेंट पैट्रिक्स पैरिश के हमारे जो फादर थे असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट फादर शाहजू उनका तबादला हुआ है वो यहाँ से सेंट पीटर्स जा रहे हैं तो उनके लिए एक विदाई समारोह था जिसमें हमने उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों ने डांस म्यूजिक और ड्रामा ऐसे करके प्रोग्राम करे थे और उनको विदाई संदेश दिया गया। फादर कितने साल का कार्यकाल रहा स्कूल के अंदर? फादर तकरीबन यहाँ पे 3 साल तक रहे। 3 सालों में उन्होंने स्पेशली जो कोविड का महामारी टाइम था उस टाइम बहुत हमारी हेल्प करी और अच्छा संचालन किया।